दोस्तों यार कैसे हो आप सब लोग, आई होप के बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अभी क्या है, अभी मैं जा रहा हूँ पार्टी में, तो पार्टी है शाम की, तो मैं लेट व्लॉग स्टार्ट करा क्योंकि घर पे बहुत सारा काम था, तो काम आ रखा था वो फिनिश करा, तो अभी रेडी होते हैं पार्टी खाने के लिए। तो दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ दावत खाने के लिए पार्टी। फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ, तो यार खाना एकदम मस्त बना था पार्टी का, तो मज़े आ गए भाई साहब। मेरे को तो छोले और पनीर की सब्जी के अलावा और कुछ पसंद ही नहीं आया, और नान बस, चावल खाए थे मैंने, थोड़े से खाए थे तो ठीक बने थे, मस्त एकदम। तो दोस्तों आते ही मुझे एक बढ़िया सी चीज़ दिखी उधर फ्रिज पर रखी हुई, तो वैष्णवी ने बनाया है अपना स्कूल का प्रोजेक्ट जो कि एक पेंटिंग है, तो काफ़ी अच्छी बनाई है वैष्णवी ने भाई साहब, एकदम मस्त रियलिस्टिक सी लग रही है। तो ये वाली बनाई है उसने, बटरफ्लाई वाली है ये रही, तो काफ़ी मस्त लगी मेरे को वैष्णवी की आर्ट ये वाली। तो यार कमेंट करके बताना ये आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही, तो यार कैमरे में क्या पता कलर इधर उधर हो जाए, बट रियलिटी में ये काफ़ी मस्त लग रही है मेरे को, क्योंकि कैमरा कुछ और दिखाता है और भाई साहब ये लग कुछ और रही है, मस्त एकदम। तो दोस्तों जो पहले नंबर पे मेरे जो टूल आते हैं वो हैं मेरा वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन जो कि काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं VN से और काइन मास्टर से, इन दोनों से एडिटिंग करता हूँ, मतलब कि किसी एक से करता हूँ, सबसे ज़्यादा मैं करता हूँ VN से, क्योंकि VN की यार एडिटिंग एकदम मेरे को मस्त लगती है, झक्कास होती है एकदम उससे। तो दोस्तों जो सेकंड नंबर वाले एप्लीकेशन है वो है मेरे थंबनेल मेकर। थंबनेल मेकर कौन से है मेरे, जो है एक पिक्सेल लैब और एक पिक्स आर्ट, ये दोनों थंबनेल मेकर हैं मेरे, जो कि काफ़ी अच्छे थंबनेल निकाल के देते हैं मेरे को, मतलब कि बनाने पड़ते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं मेरे को उनसे। और दोस्तों जो मेरे कलर ग्रेडिंग के जो एप्लीकेशन है, यानी कि जो थंबनेल बनाता हूँ मैं, उसमें जो कलर ग्रेडिंग होती है ना वो मैं करता हूँ लाइट रूम से या फिर स्नैपसीड से, जो दो एप्लीकेशन है ये मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि इनसे क्वालिटी एकदम लूज़ हो ही नहीं सकती आपकी, तो इतने बढ़िया एप्लीकेशन लगते हैं ये दोनों मेरे को, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकाल के देते हैं मेरे को। और फोर्थ पे आते हैं दोस्तों मेरे जो यूट्यूब के टूल्स हैं, जैसे कि ट्यूब बडी, YT स्टूडियो, यूट्यूब और VidIQ, ये मेरे को काफ़ी मतलब कि हेल्प करते हैं यूट्यूब को समझने के लिए। तो ये दोस्तों चार एप्लीकेशन है जो कि हर क्रिएटर के फ़ोन में आपको मिलेगी मिलेगी, क्योंकि इनके बिना तो यूट्यूब पे चैनल बनाना अधूरा ही है, तो ये चार चीज़ें तो होती हैं सभी क्रिएटर के पास। तो दोस्तों कुछ इतने ही एप्लीकेशन मैं यूज़ करता हूँ अपने फ़ोन के अंदर, तो और भी हैं इंस्टाग्राम वगैरह जो सोशल मीडिया के हैं वो हैं, इंस्टाग्राम है मेरे पास, टेलीग्राम है, और चलाता हूँ मतलब कि फेसबुक भी चलाता हूँ मैं, यूट्यूब तो आपको पता ही है यूट्यूब चलाता हूँ। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और एप्लीकेशन अच्छे लगे हो तो उसके लिए भी लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं इसी तरह न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा टाटा।